राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ एक दिव्य बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब बड़े हुए तो जीवन के सत्य की खोज के लिए वन में चले गए। उनके पीछे पीछे उनका सेवक छंदक भी वन में चला गया। सिद्धार्थ ने समझा बुझाकर छंदक को वापस भेज दिया। अब सुनिए आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है अंतःपुर विलाप। अपने स्वामी के तपोवन जाने के बाद अश्वरक्षक छंदक धीरे धीरे अपने घोड़े के साथ कपिल वस्तु की ओर जाने लगा। स्वामी के विरह में वो अत्यंत व्याकुल था। अश्रु थम नहीं रहे थे। जाते समय जिस मार्ग को उसने केवल एक रात में पूरा किया था उसी मार्ग को अब पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। यद्यपि घोड़ा कंथक चल रहा था, पूर्ववत अलंकृत भी था, फिर भी शोक भाव के कारण वो अत्यंत मलिन और निस्तेज लग रहा था। जब से उसके स्वामी तपोवन गए हैं तब से घोड़े ने न घास खाई है न ही पानी पिया है। इस तरह धीरे धीरे दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया। कपिल वस्तु के वन उपवन जलाशय आदि सब कुछ कुमार के विरह में अरण्य के समान दिख रहे थे। राजकुमार के बिना दोनों के लौटने पर नगरवासियों ने वैसे ही आंसू बहाए जैसे प्राचीन काल में राम के बिना उनके रथ को देखकर अयोध्या वासियों ने आंसू बहाए थे। लोगों को उन पर खींच आ रही थी और वे कह रहे थे, हमें भी मन पे छोड़ा। अरे छंदक, तुमने उन्हें किस वन में छोड़ा है? सब वही जाएंगे, क्योंकि उनके बिना यह नगर तो वन के समान हो गया है। नगर की जो स्त्रियां अपने घरों के झरोखों से झांक रही थी वे राजकुमार के बिना घोड़े को देखकर रोने लगी। अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ कंथक ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो आर्त स्वर में हिनहिनाकर उसने अपना दुख प्रकट किया। उसकी हिनहिनाहट सुनकर राजमहल के सभी पक्षी और घोड़े आर्तनाद करने लगे। इस कोलाहल को सुनकर लोगों को लगा जैसे राजकुमार लौट आए हैं। वे जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में बाहर आ गए। परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजकुमार नहीं आए हैं तो सभी दुखी हो गए और रोने लगे। रानी गौतमी विलख विलख कर रोने लगी। हाँ पुत्र,
अंतःपुर की अनेक स्त्रियां शोक के कारण चेतना शून्य हो गई। ये सब कुछ देख और सुनकर यशोधरा शोक और क्रोध से भरकर छंदक से बोली, रे छंदक, रात को मुझे विवश सोती छोड़कर तुम मेरे मनोरथ को कहां छोड़ आए हो? अरे निर्दयी, अब तुम क्यों रो रहे हो? तुम हमारे हितैषी हो और तुम्ही ने इस कुल का नाश कर दिया। अरे ये कंथक अब क्यों हिनहिन आ रहा है? रात के अंधेरे में जब ये कुमार को लेकर गया था तब क्या ये गूंगा हो गया था? यशोधरा के वचन सुनकर छंदक और भी रोने लगा। फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर बोला, हे देवी, आप कंथक की निंदा न करें और न ही मुझे दोष दें, क्योंकि हम उस रात विवश थे। राजा के आदेश को जानते हुए भी मैं किसी दैवी प्रेरणा से घोड़ा ले आया और बिना थके रात भर उनके पीछे चलता रहा। घोड़े के चलने पर भी उसके खुरों से किसी तरह की ध्वनि नहीं हुई। राजभवन और नगर के सभी द्वार अपने आप खुल गए और सभी प्रहरी सो गए। इस सब को कोई दैवी विधान ही मानना चाहिए। तभी तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतार फेंका और काशाय वस्त्र धारण कर लिए। हे देवी, इस सब के पीछे न मेरी इच्छा थी न घोड़े की। लगता है ये सब कुछ दैवी प्रेरणा से ही हुआ है। भाग्य। छंदक के मुख से कुमार के जाने की ये अद्भुत कथा सुनकर अंतःपुर की सभी स्त्रियां विषाद से भर गईं और फूट फूट कर रोने लगी। माता गौतमी विलख विलख कर रो रही थी और बार बार मूर्छित हो जाती थी। यशोधरा रो रो कर कहती थी, मैं ही अभागिन हूँ, तभी तो वे मुझे छोड़ कर गए हैं। मेरी ना स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है ना कोई और, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वे मुझे इस लोक में या परलोक में किसी प्रकार भूले नहीं। हमें उस मनस्वी का रूप ही सुकुमार था, उसका हृदय तो अत्यंत कठोर और निर्दय था, तभी तो वे अपने बाल पुत्र को छोड़कर चले गए। मेरा हृदय अब
अवश्य ही पत्थर या लोहे का बना है, तभी तो फट नहीं रहा। इस तरह विलाप करते करते यशोधरा मूर्छित हो गई और अंतःपुर की अन्य स्त्रियां भी विलक विलक कर रोने लगी। पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा शुद्धोदन देव मंदिर में हवन आदि अनुष्ठान कर रहे थे, परंतु जब उन्होंने सुना कि छंदक और कंथक लौट आए हैं और कुमार ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मुझे आज दशरथ से ईर्ष्या हो रही है, जो अपने पुत्र राम के वन जाने पर तत्काल स्वर्ग चले गए। हे भद्र, मुझे वो आश्रम बताओ जहां मुझे जलांजलि देने वाले मेरे पुत्र को तुम छोड़ आए हो। इस तरह राजा पुत्र के वियोग के कारण अपना धैर्य खो बैठे, जैसे राम के वियोग में दशरथ रोते रोते चेतना शून्य हो गए थे, वैसे ही वे भी चेतना शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। राजा को इस प्रकार व्याकुल देखकर राजा के शास्त्रज्ञ पुरोहित और गुणवान मंत्रीगण उनका उपचार करने लगे। उन्होंने राजा को समझाया और कहा, हे नरवीर, आप शोक छोड़िए, धैर्य धारण कीजिए। आप असित मुनि की भविष्यवाणी याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि इस कुमार को न स्वर्ग रोक सकता है न चक्रवर्ती राज्य, फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए। आप कहें तो हम वहां जाएं जहां कुमार गए हैं, उन्हें समझाएं और बुला लाएं। राज पुरोहित और मंत्रियों की बातें सुनकर राजा ने तुरंत उन्हें जाने की आज्ञा दी और कहा, शावक के लिए उत्सुक पक्षी की तरह अपने पुत्र के लिए मेरा हृदय छटपटा रहा है। आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे पुत्र को ले आइए। राजा की आज्ञा प्राप्त कर राज पुरोहित और मंत्री गण राजकुमार की खोज में शीघ्र ही नगर से निकल पड़े। संक्षिप्त बुद्धचरित। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध राय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, सुनील लोहिया, गीता वर्मा और राम मैनी, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी संचालन सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।